आपको पता है अंबेडकर सिर्फ दलित नेता है? क्या किया है उन्होंने देश के लिए? अंबेडकर देशद्रोही थे। जब भी ऐसी बातें सुनता हूँ बहुत बुरा लगता है और इसलिए आज ये वीडियो बना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, जय भीम मेरी जान। मैं हूँ आरजे जैकी आपके साथ और स्वागत है आपका मेरा नए वीडियो में। देखिए, ये हमेशा होता आ रहा है कि बाबा साहब को पोर्ट्रे किया जाता है एक दलित नेता के रूप में, लेकिन बाबा साहब की जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने देश के लिए किया है, देश की महिलाओं के लिए किया है, उसकी बात कोई करता नहीं है। और मुझे ये लगता है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा से ज्यादा कुछ नहीं। आज हम उन सारी बातों को दुनिया के सामने लाएंगे जो दुनिया से छुपाई गई है, और जो ये सब बोलते हैं ना उनको बताएंगे कि बाबा साहब ने आपके लिए भी बहुत कुछ किया है। तो तैयार हो जाइए बाबा साहब की इस अमेजिंग जर्नी के लिए। पहला पॉइंट, जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट होती है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग हो तो कंट्री भी स्ट्रांग होती है। आज हम जहां कहीं भी स्टैंड करते हैं वो बाबा साहब की वजह से स्टैंड करते हैं। 1935 में एस्टेब्लिश की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी जो संरचना थी, इसका जो पॉइंट था, इसका जो आधार था, वो बाबा साहब की लिखी हुई किताब द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन से ली गई है। इसमें बाबा साहब ने काफी कुछ बताया है जिसकी नींव पर आज खड़ा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाबा साहब ने ये सबमिट किया था हिल्टन यंग कमीशन को, या फिर इसे कहते हैं रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। तो ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए कि हम जहां कहीं भी खड़े हैं बिल्कुल स्ट्रांग हो गए वो बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब की देन है। सेकेंड पॉइंट है वर्किंग आवर्स, 14 घंटे से 8 घंटे काम करना। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ही कर सकते हैं। उन्होंने सबके बारे में सोचा, जितने भी लोग 14 घंटे काम करते थे। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम आज भी जो 8 घंटे की जॉब है वो बाबा साहब की वजह से है, नहीं तो 14 घंटे काम करना पड़ा रहता, मजदूरी करना पड़ा रहता है। और इसी के साथ साथ काफी कुछ लेबर रिफॉर्म भी बाबा साहब ने किए हैं, जैसे लेबर इंश्योरेंस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब बहुत कुछ किया है बाबा साहब ने, लेबर के लिए सोचा है। और ये सब कुछ वो इसलिए कर पाए क्योंकि 1942 से 1946 के बीच में बाबा साहब मेंबर ऑफ लेबर थे वॉइस रॉय काउंसिल में, ठीक है। तीसरा पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिंदू कोड बिल। आज जितनी भी हमारी छोरियां, हमारी जितनी भी बहनें हैं, हमारी सिस्टर, हमारी माता, हमारी दोस्त, जो भी आज सोसाइटी में बड़ी सर उठा के चलती है, इज्जत के साथ चलती है और उन्हें स्ट्रांगली रिप्रेजेंट अपने आप को करती है, विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज से कई साल पहले बाबा साहब ने ही कहा था हमारी छोरियां छोरों से कम रहेंगे। ये डायलॉग तो अभी लिया गया है भैया, बाबा साहब पहले से यकीन करते थे। बाबा साहब का ये मानना था कि एक कंट्री की डेवलपमेंट डिपेंड करती है महिलाओं की डेवलपमेंट के ऊपर। उस कंट्री की महिलाएं जितनी आगे जाएंगी कंट्री उतनी ही आगे जाएगी। बाबा साहब हमेशा आगे की सोचते थे, दूरदर्शी थे, इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की। 3 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, आप सोच सकते हो 3 साल स्ट्रगल करने के बाद ये सब कुछ लागू किया गया, और इसके तहत ये हुआ कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सा मिला। जो विडो महिलाएं हैं, जो डिवोर्सी महिलाएं हैं, उनको रीमैरी का राइट मिला। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। और इसी के साथ साथ राइट टू डिवोर्स का हक दिया गया। अब इसके बाद क्या होता था कि अगर एक महिला है, उसको समझ में आ रहा है कि मेरा जो अभी वैवाहिक जीवन है वो ठीक नहीं चल रहा है और मैं अपने मर्जी से तलाक लेना चाहती हूँ, तो उसके पास ये राइट था, वो अपने विचार न्यायालय के आगे रख सकती थी और ये बोल सकती थी कि हाँ, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मुझे राइट है इस पर आपत्ति जताने का। सो ये राइट किसने दिए? बाबा साहब ने दिए। बाबा साहब ने सोशल रिफॉर्म्स किए, महिलाओं को आगे बढ़ाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू देश आज कहां से कहां तक पहुंच गया। इसी के साथ साथ बाबा साहब का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी में। जी हाँ, काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे बाबा साहब ने इनिशिएट किया, और वो प्रोजेक्ट के नाम मैं कुछ आपको बता दूं, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, द सन ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट। और इसी के साथ साथ बाबा साहब ने एस्टेब्लिश किया सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसके वजह से इरिगेशन डिपार्टमेंट है। तो आप सोच रहे हो इंडिया के डेवलपमेंट में बाबा साहब का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, या मराठी में कहें कि सिंहाचा वाटा, यानी कि बाबा साहब ने बहुत बड़ा योगदान इंडिया के डेवलपमेंट में दिया है। तो अगली बार कभी आपके दिमाग में आए कि बाबा साहब वॉज ओनली दलित नेता या फिर बाबा साहब देशद्रोही थे, तो एक बार सॉरी जरूर बोल देना, मुझे नहीं,
अपने आप को, क्योंकि गलती मानने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, है ना? जय भीम।